इस वक्त तो मैं राजिम कृषि उपज मंडी में हूं और यहां किसानों के द्वारा जो अपने फसल धान लाया गया है लेकिन इनको अपनी वास्तविक जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ा दुख का विषय है कि किसान जो अपना महीनों की कमाई लाकर यहां अपना जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं तेजराम विद्रोही जी। विद्रोही जी, क्या समस्या आ रही है किसानों को वर्तमान में बताइए। देखिए, किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके जो उपज को बेचने के लिए कृषि उपज मंडियों में जो MSP की गारंटी होनी चाहिए वो MSP की गारंटी किसानों को नहीं है, जिसके वजह से यह है कि आज किसानों का जो उपज की जो बोली की जो शुरुआत है 1000 से शुरू हुई है, जो 1000 से 1350-1400 रुपये तक के भी उसकी बोली ख़त्म हो जा रही है। सरकार की MSP जो तय है 1940-1960 रुपये MSP तय है। इसके तुलना अगर हम करेंगे तो कृषि उपज मंडियों में 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को नुकसान हो रही है। तो हमारी मांग यह है कि सरकार कृषि उपज मंडियों में भी एक क्राइटेरिया तय करे कि कम से कम 1500 से ऊपर की जो बोली की जो शुरुआत हो और वो MSP के आसपास में उनकी उपज का बिक्री होना चाहिए। ये हमारी मांग है और हम सरकार से निवेदन करते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि टैक्स बढ़ा दी गई है, तो जो टैक्स बढ़ाने का जो सबसे ज़्यादा खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ता है। जैसे GST लगाया तो GST तो व्यापारी जमा करते हैं लेकिन बढ़े हुए जो दाम हैं हम जमा करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गई लेकिन उसके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का जो चार्जेस जो बढ़ा उसका भी जो बढ़ा हुआ जो दाम है हम किसान उनको अदा करते हैं। तो बाकी सारे जो चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा है और हमारे किसानों के उपज का जो दाम कम हो रहा है, ये तो किसानों के साथ सरासर अन्याय है, शोषण है, ये सरकार की जो जन विरोधी नीति को साबित करता है। अच्छा, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर यही रहा तो? हमारी लड़ाई MSP की गारंटी को लेकर के है और हम यहाँ पर भी इसी मांग को लेकर के आगे का जो संघर्ष है वो किसानों के साथ चर्चा करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36(3) है। धारा 36(3) को आप उठा के पढ़ेंगे जो कृषि उपज मंडियों के लिए लागू होना चाहिए, उसमें है कि जिस भी किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है उससे कम पर बोली नहीं लगाई जाएगी। तो हम सरकार से ये बात करना चाहते हैं कि इसका आप पालन कराइए। जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून की जब बात करते हैं तो आपका मंडी अधिनियम की जो 1972 की धारा 36(3) का पालन होने से किसानों को उनकी उपज का एक सम्मानजनक मूल्य उनका दाम मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि पूरी जानकारी तेजराम विद्रोही ने दिया कि किस तरह से अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम का तेजराम विद्रोही जी पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है आपका? जी बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें बताया जाता है कि उसमें एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए सरकार को। तो हम तो ये कहते हैं कि जब आप खरीदी करने के लिए आपका फेडरेशन है, मार्कफेड है, तो कृषि उपज मंडियों में भी जो इंस्पेक्टर है, मंडी इंस्पेक्टर है, ऐसे कुछ एजेंसी बैठा कि आप वहाँ पर काम करिए ना, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली नहीं लगाई जा सके। ये सरकार की सरासर जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनको अभी वर्तमान में जो उनका जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अभी आप लोग का रेट नहीं मिल पा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप यही रेट नहीं मिले थे ना, यही कारण से किसान भाई सब मिल के अपन धान लाए से जो 1000 से बोली चालू कर इसने तो 1300-1350 तक में अंतिम कर दी। वो जो देखे ना तो एक भाई बिका थे, दूसरा देखे ना अरे यार हम नहीं लगेंगे रसीद, हम बोली नहीं करवाएंगे। तो ऐसे सब भाई सलाह हो के ना पूरा बंद कर। ऐसा कुछ है कि धान का क्वालिटी खराब है या? नहीं, धान की क्वालिटी अच्छा है। अच्छा, धान कोई धान बोले है? हाँ। अरे गलत रहती धान ना तो एक बार किसान महसूस कर लेते हैं, जो अच्छा धान है तो उन्होंने वही लगा है। कल बीते दिन शुक्रवार का रेट क्या रहा? शुक्रवार का रेट है कम से कम 70 से 75 तक, 15। अच्छा, 1500 से 60, 70, 75, 50, 25, 10 जो भी 1575। हाँ, वैसे टाइप के गए है। अब वो कर 80-72 तक के अभी रसीद देखा है। तो ये सब है तो आज का बरत 500-700 रुपये घटे, ये कारण से रुकावट हो गया। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? अरे हमार मांग तो यही है कम से कम 1550 से बोली चालू करे,
तो 15.5-60 जो भी जाए या 20-25 भी जाए बड़ा किसान महसूस कर सकते हैं। और वो एकदम से 1300-1000 बोली करके 1300 रुपया 1350 काटा थे हर धान का हर ढेर तो ये कारण से रोक लगा गया। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है कि उन्नत किसान भी हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या समस्या है, आप बताइए। 1 एकड़ के लागत धान के कटाई में जाए में और दवाई पानी और लड़ाई में 1,00,000 रुपये सिरा थे और कौन दी किसान कहाँ दी आप मन के कितना एकड़ है? मोर 16 एकड़ है। 16 एकड़ साल में कितना खर्चा हो जाता है? अभी मैं 1.5 लाख के दवाई छीटे 1.5 लाख नगद रसीद है मोर का 1.5 लाख के। अब कहाँ ला हूँ नया पारा किसान यहाँ मोरा दवाई आए पूरा। अब अभी मोर 8-9 एकड़ करपा पर ही ना नहीं सकत। अभी पानी गिरी तक का समस्या हो? पानी गिरी तक का है बुढ़ी से डबरा कर निकाले हाँ और करपर पूरा लौटा जी। अब वही नाना सब धीरे धीरे अभी का मांग करना चाहते हूँ भी जो सोसाइटी रेट दे थे सोसाइटी रेट वही धान ले थे का सरहा ले थे घुना ले कहीं ले सोसाइटी ले थे चाहे कच्चा ले थे वही भाव वही भाव हमको मिलना चाहिए। एकर पीछे आप मन के कौन है दोस्त मान पर पीछे दोस्त हाँ दोस्त कौन है मतलब काकर गलती है नहीं देवा से तो सरकारी गलती है काकर गलती कौन सरकार की? अब वो कौन मई सरकार है मोदी बने हैं कई सारी सरकार है जी भूपेश के और भूपेश बघेल घलोक है तो काकर नहल धर्मे का सब तो हित के कॉमन है। आप भूपेश बघेल तो कहते कि मैं किसान ही तहसीलदार हूँ करके 1940 अभी और बाद में 3 किस्तम देना है वाला 2500 3 किस्तम है तो 1940 तो अभी ले भैया यहाँ ज्यादा नहीं रही थे। अपन कितना धान लाओ यहाँ अभी कितना धान लाओ? मोर 3 गाँव हो गए 1 गाँव लाओ 60 कट्टा 1 गाँव लाओ 56 कट्टा और आज आए 40 कट्टा कितना बेचा है? 1 बेचा है 1550 1 बेचा है 1490 और 1 बेचा है 15। अभी कितना में बेचाएगा आप? अभी सबके मांग में बेचना है अभी आप लोग का रेट नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार समर्थन मिले है तो मंडी भी में समर्थन मूल्य लेना चाहिए। अच्छा समर्थन मूल्य में लेना चाहिए। देखिए सभी किसानों को यही कहना है कि जो किसान अपने सालों की जो खेतों में कमाई जो फसल लाए हुए हैं उनका समर्थन मूल्य में दाम लेना चाहिए। लेकिन अभी विडम्बना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था लागू नहीं की गई है जिसके कारण इसका भुगतना किसानों को हो रहा है। सर अभी जो किसानों का जो धान की खरीदी है वो उनको वाजिब रेट में नहीं मिल पा रहा है, इस पर आपके क्या कहना है? मंडी प्रशासन का तो ये है कि किसानों और व्यापारियों के सामंजस्य होने पर जो रेट निर्धारित करते हैं वो क्या रेट निर्धारित किया गया है वैसे? व्यापारी जो बोली लगाते हैं हाँ फिर भी तो यहाँ तो आपको जानकारी होगी कौन से रेट में? हाँ ठीक अभी रेट चल रहा है 1400 लेकिन किसान बता रहे थे कि 1000 में बोली चालू हुआ है करके। नहीं 1000 में नहीं हुआ है। नहीं नहीं वैसे बता रहे हैं हाँ है ना 1400 रेट कम पड़ रहा है वो हाँ ये लोग कहना है 1500 से। अच्छा नहीं 1000 बता रहे थे किसान, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो सर इस वहाँ जब बोली चालू होता है तो कब मंडी प्रशासन के द्वारा कोई नहीं रहता क्या? नहीं हमारे कर्मचारी रहते हैं ना कर्मचारी रहते हैं हाँ रहती है तो 1000 और वो बोल रहे हैं 1000 में आप बोल रहे हो 1400 में वही थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है 1000 नहीं है जो हमें डैमेज धान है मतलब बदरा है खदवान है इसमें हो सकता है मगर जो अच्छा क्वालिटी तो 1400 से सर 1000 का बहुत फर्क है ना। क्वालिटी पर है ना मान लो धान क्वालिटी है। अगर धान इसी तरह पड़े रहे तो देख रहे कौन करेगा फिर? हाँ हम करेंगे किसान। आप ही करोगे किसानों का जब तक समस्या का समाधान शासन द्वारा ना हो जाए तब तक रहेगा।